dear students, today I will teach you the 10th history, the Treaty of Vienna. ये first chapter का ही चल रहा है. अब इसमें हम the Treaty of Vienna, जब नेपोलियन के लास्ट युद्ध जो 1815 में हुई थी, वाटरलू की लड़ाई. अब ये 1815 में जो हुई थी, उसके बाद कुछ यूरोपियन पावर हैं जो लास्ट में नेपोलियन के साथ द ट्रीटी ऑफ वियना होती है, और उसके बाद यहाँ पे कंजर्वेटिव्स रेजिम शुरू हो जाती है. अब ये कंजर्वेटिव्स क्या है और रिवोल्यूशनरीज क्या है, ये तो मैं बताई थी, लेकिन ये ट्रीटी ऑफ वियना का कुछ भाग छूटा हुआ था. इसमें जो यूरोपियन पावर थे, पर्सिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, मेनली यही फोर जो पावरफुल कंट्री थे यूरोपियन में, यही ट्रीटी ऑफ वियना करते हैं, जिनके हेड थे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटर्निख. ये ट्रीटी ऑफ वियना के बाद मोनार्की सिस्टम का रिस्टोरेशन हो जाता है, यानी कि जिस लुईस 16 को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया था, फिर लुईस 17 को पुनः राजगद्दी पर बिठाया जाता है. इट मीन्स मोनार्की सिस्टम का रिस्टोरेशन हो जाता है. अब ये मोनार्की सिस्टम का दोबारा रिस्टोरेशन होने का मतलब है कि वहाँ के कॉमन पीपल जो बहुत ही मेहनत से उस मोनार्की सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके डेमोक्रेसी लाए थे, उनके लिए बहुत ही दिक्कत शुरू हो जाती है. यानी कि यहाँ से कंजर्वेटिव रेजिम शुरू हो जाती है, यानी कि यूरोप में यूरोप के जो पीपल है, सिटीजन है, वो दो पलड़े में आ जाते हैं, एक तरफ कंजर्वेटिव्स और दूसरी तरफ रिवोल्यूशनरीज. यानी कि ये दोनों में आमना सामना में काउंटर फायरिंग शुरू हो जाती है. कंजर्वेटिव्स की कुछ अलग डिमांड्स होते हैं और रिवोल्यूशनरीज की कुछ अलग डिमांड होते हैं. कंजर्वेटिव्स पुराने कल्चर, लैंग्वेज को पुनः रिस्टोर करना चाहते हैं, जबकि रिवोल्यूशनरीज लोग जो फ्रांस में रिवोल्यूशन के दौरान जो भी चेंजिंग वो लोग किए थे कॉमन पीपल के वेलफेयर के लिए, वो सब पुनः वो लागू देखना चाहते थे. अब इसमें ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या सब चेंजिंग आई है या क्या इसके कंडीशंस हैं, थोड़ा उस पर हम ध्यान देंगे, क्योंकि बार बार इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना. ट्रीटी ऑफ वियना के क्या सब कंडीशंस थे, तो पहला है रीस्टोर बर्बन डायनेस्टी. बर्बन डायनेस्टी का रीस्टोर कीजिए. फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटोरीज, यानी नेपोलियन जो अपने फ्रांस में यूरोपियन कंट्री के भाग को, टेरिटोरी को जो कंक्वर करके फ्रांस में मिला दिए थे, उसको लॉस्ट कीजिए, यानी उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ना पड़ा, गिव अप करना पड़ा. फिर है जर्मन कन्फेडरेशन, जो नेपोलियन ने 39 स्टेट्स का एक जर्मन कन्फेडरेशन बनाए थे, उनको अनटच छोड़ देना, उसको कुछ भी नहीं करना है, और फ्रांस की जो बाउंड्री है उसको सेटअप करना है, ताकि वो लोग भविष्य में भी, फ्यूचर में भी अपने बाउंड्री को वो एक्सपेंड ना कर सके. इस प्रकार हम देखते हैं कि कंजर्वेटिव्स जो है वो पुराने कल्चर को या ट्रेडिशन को जो है उसको पुनः इस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं. इसके बाद कंजर्वेटिव्स लोग सेंसरशिप भी लागू कर देते हैं, न्यूज़पेपर पे रोक लग जाती है, या न्यूज़पेपर पर वैसे न्यूज़ लिखने की उसमें रोक लग जाती है कि आप मोनार्कियल सिस्टम के अगेंस्ट में कुछ नहीं तो लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कोई प्लेस लिख सकते हैं, ना कोई सॉन्ग्स लिख सकते हैं. इस प्रकार हम देखते हैं कि कंजर्वेटिव्स रेजिम में जो पैट्रियोटिक फीलिंग्स ये रिवोल्यूशनरीज लोग चलाना चाह रहे थे, उस पे ग्रहण लग जाता है. अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में कैसे इस पूरे यूरोप में
जिस जो ग्रहण लगा हुआ है रिवोल्यूशनरीज के ऊपर, उसको हम कैसे हटाते हैं नेक्स्ट वीडियो में।